इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मंथरा जो दासी थी उसको अपयश की पिटारी बनाकर विघ्नेश्वरी मति पलट दी, उसको अयोध्या के जीवन में शकुन में अपशकुन नजर आने लगा, शुभ में अशुभ का दर्शन होने लगा। कहा कुछ लोग शुभ में अशुभ ढूंढ लेते हैं। रुष्ट होने का ताल निकाल लेते हैं, एनी हाउ हो नहीं है। अच्छा लाख प्रयास करो, ये इलाज बीमारी है। विघ्नेश्वरी की इतनी हिम्मत नहीं, इतना उसका बल नहीं था कि वो कैकेयी अम्बा की मति पलट दे। क्यों? कैकेयी माँ की निष्ठा अद्भुत है परिवार के प्रति। लेकिन साहब चेरी कैकेयी जस पिटारी ताए यहां एक सिद्धांत है, मनुष्य मात्र को संग से और संसर्ग से दोनों से बचना चाहिए। संगत जति कुमंत्रते राजा, मानत ज्ञान पानते राजा। राजा प्रीति प्रणय बिनु मदते गुनी नासै वेग नीति से सुनी। संग होगा स्वभाव बिगड़ जाएगा कुसंगी के संग रहने से, संसर्ग होगा विहार बिगड़ जाएगा। दोनों स्थिति में बचना चाहिए, अपरिहार्य ही हो जाए तब भी बचने का प्रयत्न करें। बुरे आचारी का संग न करें, सुंदर संयोगी का संग करना चाहिए जिसके साथ रहकर भगवान में भाव वर्धन हो, संकल्प ऊर्ध्वगमन करे। मंथरा जी को बधाई, उत्सव अच्छा नहीं लगा, आई और कैकेयी अम्बा के पास प्रणिपात भाव रखते हुए अपनी पूरी रचना सुना दी। कैकेयी अम्बा ने डपटा है, राम जी की प्रशंसा करी। कैकेयी अम्बा ने कहा मंथरे, चारों भाइयों में किसी को युवराज पद पर महाराज बिठाएं, तेरे को क्या? हमारे रघुकुल की मर्यादा है जो ज्येष्ठ होता है वही स्वामी होता है। और तेरे को मैं क्या कहूं, सभी माताओं को राम जी बराबर स्नेह करते हैं लेकिन हम पर राम जी का विशेष प्रेम है। मोह पर कर स्नेह विशेष, मैं कर दे। राम जी मेरे को सबसे अधिक प्रेम करते हैं, मैंने इसका परीक्षण किया। अरे मैं तो भगवान ब्रह्मा से ये वर मांगती हूँ, दिन रात मांगती हूँ, भगवान यदि कृपा करके अगला जन्म दें तो राम जी ही मेरे अंक से पुत्र होके जन्मे और सियाजी हमारी पुत्र वधू हो। देखो और कुछ नहीं मांगी। अभी मैं किसी उत्सव में था, पता नहीं कहाँ, मुझे थोड़ी देर प्रवचन करना था, नहीं आप लोग नहीं थे, मैं अकेला गया था।
कानपुर में थे भैया, यूनिवर्सिटी में। हाँ हाँ संभवतः। तो उस परिवार में कोई भाई खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मैं तो अपने परिवार से इतना प्रसन्न रहता हूं कि भगवान से ये मांगता हूं, दिन रात एक ही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु यदि कभी हमारा जन्म आप दें दोबारा तो मुझे इसी अपने परिवार में जन्म दें और यही लोग हमारे बच्चे हों, यही हमारे भाई हों, मेरी लक्ष्मी ही हमारी धर्मपत्नी हो, मैं इसका पति हूं। भाई ने ऐसा मांगा, मैं तो देखते ही रह गया, मुझे बहुत है। ये भी कामना कोई करे तो इसका अर्थ ये है वो धरती का बड़ा ही सौभाग्यशाली जीव। मेरी मां कह कह क्या कहती है, जो विधि दे जन्म करी छो हो राम मंथरे, यदि भगवान ब्रह्मा हमको अगला जन्म दें तो राम जी हमारे पुत्र हों और सियाजू हमारी पुत्र वधु हों, ये मैं भगवान ब्रह्मा से मांगती हूं। फिर आप कहेंगे फिर कई कई अम्बा ने भगवान को 14 वर्ष का वन क्यों मांग दिया, यदि इतनी ममता है, इतना स्नेह है, ऐसा भाव है तो ये कहां से आ गई। देखिए पानी में डंडा मारो तो पानी अलग नहीं होता, आप जब मारेंगे तब तो अलग दिखेगा फिर वो एक साथ हो जाता है, ठीक है। जैसे मेरा अपना चिंतन है, अपना अपनी टीम के बारे में मैं ये मानता हूं कि हम लोग 50 के आसपास तो हो ही रहे, प्लस हैं, चलिए मान लिया प्लस है। 50 वर्ष तक की यात्रा में हम यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे साथ कौन कौन सहयोगी हैं, हमारे कौन अनन्य हैं, हमारे कौन फनन्य हैं, हमारे कौन संघाती हैं, हमारे कौन अपने हैं, हमारे कौन कितने काम के हैं, नहीं काम के हैं तो भी हमारे ही हैं। यदि हम इतना निर्णय कर पाए तो सौभाग्यशाली, और यदि नहीं कर पाए हमसे बड़ा धरती पर कोई अभागा नहीं। फिर रोते रहिए, रोते रहिए। इस अवस्था में मनुष्य को निश्चय कर लेना चाहिए कि हमारा इनके बिना काम नहीं चलेगा, इनका भले चल जाए हमारा तो नहीं चलेगा, सर चल जाए। मेरी मां कैकेयी जी ने जो कहा वो सिद्धांत है, आगे जो घटनाक्रम है वो सब रामलीला है बाबू, वो रामलीला है। मेरे बाप जी को स्वामी जी का वो प्रबंधन है, सप्त प्रबंध सुभग सो, लेकिन ज्ञान नयन निरखत मन, अज्ञान से समझ में नहीं आएगा। आगे सब लीला है, 14 वर्ष का वनवास, माता जी का साथ, लखनलाल जी का साथ, सब लीला है। कई कई अम्मा इतना प्रेम करती हैं श्री सीताराम जी से, बन देने का प्रयोजन नहीं,
देखिए, कोई माँ, कोई पिता, कोई भाई कनिष्ठ को, बच्चों को कनिष्ठ को यदि तपश्चर्या हेतु दूर भेज रहा है, तप में लगा रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसका उनमें प्रेम नहीं है। प्रेम है, परंतु एक पंक्ति है, जो शिशु तन ब्रन होई गोसाई मात चिराव कठिन कहे नाई नाई। बच्ची के शरीर में फोड़ा हो जाए तो उसको बचाने के लिए माँ उसमें चीरा लगवा देती है, ऐसे मेरे लगाए। माँ बच्चे को बचाने के लिए चीरा लगा देती है। हम बहुत छोटे थे तो हमारे पेट में के अंदर फोड़ा हो गया था, मेरी माता जी लेकर के बुआ के साथ गई, अब वो चांदसी डॉक्टर थे, उन्होंने फाड़ा लगा दिया, बच गया, कथावाचक हो गया, नहीं तो जय जय शंकर हो जाते, पता नहीं चलता कहाँ गया। बच्चे देखते कहते हैं, गुरु जी तो बड़ा लंबा चीरा लगा है, मेरी माँ ने हमको बचाने के लिए चीरा लगवा दिया। इसका मतलब नहीं कि माँ का ममत्व नहीं, स्नेह नहीं, प्रेम नहीं। सिद्धांत समझिए, धरती के भार को उतारने के लिए, देवताओं का स्थापन करने के लिए, धर्म की निष्ठा को प्रतिपादित करने के लिए, आसुरी शक्तियों को समाप्त करने के लिए राष्ट्र जननी माँ कैकेयी ने अपने माथे कलंक को तो सारा, लेकिन मेरे श्री सीताराम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।